ठीक है सर, कट कर रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अन अकेडमी जेई चैनल। आई एम समीर सिंचोलीकर, योर मैथमेटिक्स मेंटर, एंड दिस इज योर स्क्रीनिंग राउंड फॉर एपिसोड 8 ऑफ बैटल ऑफ ब्रेन्स। बच्चों, आपको यहां पर पता होगा हम यहां पर क्विज सेशंस आपके ले रहे हैं, काफी समय से ले रहे हैं। ये आपका 8वें एपिसोड में पार्टिसिपेट करने के लिए स्क्रीनिंग राउंड में स्टार्ट कर रहा हूं। इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई विल नॉट बी स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन गिविंग आउट द सॉल्यूशंस टू द क्वेश्चंस। मोर इंपॉर्टेंटली आई विल बी होस्टिंग दिस पर्टिकुलर क्विज राउंड फॉर यू, जिसको हम अभी यहां पर कंडक्ट करेंगे बच्चों मेंटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो आपने अगर मेंटी प्लेटफॉर्म अभी जो है ओपन नहीं किया है तो मेंटी प्लेटफॉर्म जल्दी से ओपन कर लेना। उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आपको कोड मिलेगा, कौन से कोड का यूज करके आपको ज्वाइन करना है, प्लीज डू दैट, ताकि आप यहां पर जो सारे आंसर्स करोगे वो आपको टाइमली मैनर में मिलेंगे। ठीक है, आपको वहां पे हमारे पास में आपके जो करते आएंगे हमारे पास में डेटा रहेगा, ताकि हम यहाँ पे लीडर बोर्ड में आपको बता पाए कि भी जो 2-3 दिन पहले बैटल ऑफ ब्रेन्स का एपिसोड 7 एयर हुआ था उसको देखा होगा। तो आपको यहाँ पर बच्चों फायदा क्या है कर ही रहे हो, लेकिन आप अगर इस पर्टिकुलर क्विज में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको साथ ही साथ कुछ प्राइजेस भी जीतने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे डबल बेनिफिट है, आपको लर्निंग के साथ साथ यहाँ पे कुछ प्राइजेस भी मिल रहे हैं। सो डू टेक पार्ट इन ऑल सच इवेंट्स। स्पेशली बच्चों आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर एपिसोड में 75,000 वर्थ ऑफ प्राइज मनी दिया जा रहा है। दो बच्चे यहाँ पे जीतेंगे जो फाइनली एपिसोड 8 के विनर्स होंगे। फर्स्ट प्राइज को मिलेगा 50,000 रुपीज एंड सेकेंड प्राइज जो रहेगा दैट वुड बी ऑफ 25,000 रुपीज। ठीक है, सो लॉट ऑफ prizes to be won here, ठीक है? So, बच्चों आपको ये पता होगा कि हमारी टीम के साथ में कनेक्टेड रहना चाहते हो, कभी भी आपको लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर बैटल ऑफ ब्रेन्स की भी हमें नोटिफिकेशंस टाइमली मिलना चाहिए, हमें यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए इन्फॉर्मेशन सर आप पहले से बता दो, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम ऐप जो है बच्चों, जहां पे आपका अनअकैडमी जेई का ग्रुप है, वहां पर ये सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं अलॉन्ग विद अदर लेक्चर नोट्स जो आपको रेगुलरली मिल जाते हैं आफ्टर एवरी लेक्चर। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लो। tinyurl.com/academychat लिखने से आपको ये पर्टिकुलर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ आपको अगर लग रहा है कि यार यहाँ पर अब इस पर्टिकुलर क्विज का हम तैयारी कैसे करेंगे, तो जे लाइव डेली के जो सारे आपके नोट्स है वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप यहाँ पे टाइप इन कर सकते हो अपने ब्राउजर में tinyurl.com/jmobile एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द लेक्चर्स दैट वी हैव टेकन टिल डेट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। ठीक है, तो आपके पास में कोई सा भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपका वीक है, तो आप बड़ी आसानी से इस पर्टिकुलर लिंक का यूज करके सारे लेक्चर्स को देख के अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन। एंड इंटरनेट अपीयर्स टू बी स्लो, आई होप कि यहां पर जो है मैं सही तरीके से क्विज ले पाऊंगा। लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने जब क्विज स्टार्ट किया था तो बीच में एक जगह कहीं मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्शन हुआ था। आई होप इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चों यहां पर आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि 200 से ज्यादा बच्चों ने ऑलरेडी मेंटी के ऊपर रजिस्टर कर लिया है। आप यहां पर जाना है, आपको जाना है बच्चों www.menti.com के ऊपर, वो आपसे कोड पूछेगा, तो आपको एक्सेस कोड उसके अंदर डालना है 741178 741178 आपको एक्सेस कोड डालना है। ठीक है, अगर आप वो डालोगे तो आप इन्हीं बच्चों की तरह यहां पर नजर आओगे एंड योर आंसर्स विल बी रिकॉर्डेड विथ अस। ठीक है, सो लेट अस वेट फॉर फ्यू मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन, क्योंकि यहां पर हर एक क्वेश्चन काउंट करेगा, यहां पर हर एक क्वेश्चन लीडर बोर्ड जनरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो एज सून एज फ्यू मोर स्टूडेंट्स विल ज्वाइन इन वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन। आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट विथ अस इन द लाइव चैट। बच्चों आप लाइव चैट में अगर हमारे साथ कनेक्टेड हैं देन इट्स अ ग्रेट थिंग, लेकिन आपको यहां पर पता होना चाहिए कि आंसर्स कहां आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे सबमिट करने हैं। menti.com पे आपको जाना है और कोड एंटर करना है 741178 741178 इज द कोड टू ज्वाइन द क्विज। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। आई होप सारे बच्चों के पास में यहां पे पेन पेपर है, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। क्वेश्चंस ओरल नहीं होंगे, स्पेशली मैथ्स की यहां पर मैं अगर बात करूं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले कैलकुलेशंस भी थोड़ी आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट बच्चों। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, जो जितने जल्दी आंसर करेगा वो लीडर बोर्ड में उतना ही ऊपर रहेगा। पहला ही क्वेश्चन सेट्स का है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको आंसर कहां करना है आपको पता है, आपको www.menti.com के ऊपर जाकर कोड पहले टाइप इन करना होगा 741178, ताकि आप इस पर्टिकुलर क्विज को ज्वाइन कर पाओ। आपके पास में ऑलरेडी यहां पे टाइमर आपको नजर आ रहा होगा, 1 मिनट का समय हमने आपको दिया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, एंड लॉट ऑफ यू आर ऑलरेडी आंसरिंग दिस,
वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, लगभग 25 सवाल का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, 25 क्वेश्चंस बच्चों, यहाँ पे आप जस्ट तुक्का लगा के या फिर हिट एंड ट्रायल से जो है लीडर बोर्ड में नहीं आ पाओगे, आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। इन द लॉन्ग रन मैंने ये देखा है कि जो बच्चे भले ही टाइम थोड़ा सा लेते हैं लेकिन सही आंसर मार्क करते हैं, उनका यहाँ पे ज्यादा अच्छा फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस नाउ। ऑलराइट, ट्राई इट आउट। ऑलराइट, सो टाइम इज ऑलमोस्ट अप, गुड वन। देखते हैं यहां पर आपका लीडर बोर्ड किस तरीके से नजर आ रहा है। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप यहाँ पे लाइव चैट से ज्यादा menti.com के ऊपर फोकस करें। ठीक है, menti.com के ऊपर हो सकता है आपको क्वेश्चन कुछ सेकंड्स पहले भी नजर आएगा, आपको वहां पे एडवांटेज मिलेगा अगर आप ज्यादा फोकस menti.com के ऊपर रखेंगे तो। ठीक है, ऑलराइट, एंड दिस इज अवर फर्स्ट लीडर बोर्ड, नमन यहाँ पे टॉप पे है एंड सेवेंथ ग्रेडर भी है हमारे साथ में यहाँ पर बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा। आप बस इतने जल्दी अगर अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे फाइनली रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि समय तो भगवान होता ही है। ठीक है, टाइम इज गॉड। ऑलराइट, ग्रेट, तो आपने इतने जल्दी यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर दी अपनी। लेट अस मूव ऑन टू अवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज अगेन ऑन योर स्क्रीन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज ऑन द स्क्रीन ऑफ menti.com। ठीक है, तो www.menti.com के ऊपर बच्चों आपको जाना है, आपको ये एक मिनट का समय दिया गया है आंसर करने के लिए। एंड आपको अगर कोड नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको कोड बता देता हूँ, अभी अभी हमने एक क्विज स्टार्ट किया है, सो डोंट वरी, 741178 741178 is the code to join this particular quiz. ये quiz बच्चों आप अगर अच्छे से answer करोगे, अगर आप इसके leader board में बने रहोगे तो आप episode 8 में participate कर सकते हो battle of brains के। Alright? So just log on to menti.com and try to answer this. Physics का question लग रहा है मुझे। Alright, I hope everybody is able to read the question, everybody is able to understand the question and everybody is also able to see the interface जहां पर उनको answers mark करने हैं, option 1, option 2, option 3, option 4 में से आपके answers क्या होंगे। Alright, so I can see that there is some delay between the questions that are being shown and the questions that you are able to see on YouTube, ठीक है? So make sure कि आप यहाँ पे YouTube से ज्यादा ध्यान कहां पर दें, YouTube से ज्यादा ध्यान देना है बच्चों आपको अपने Menti के इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, साइड बाय साइड आप यहाँ पर जो है YouTube भी ऑन रख सकते हैं। ठीक है, बट मोर इंपॉर्टेंटली यू विल बी रिक्वायर्ड टू बी वेरी वेरी एक्टिव and vigilant on menti.com. Alright, so this is the second leaderboard and this time again Naman was the fastest one, इसलिए अभी भी टॉप पे बना हुआ है। Let us move on to our next question. Next question is this. It must be showing on your menti screen already. H2O2 cannot oxidize which of these compounds? ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। This question does not require 1 minute of time. है ना, इसको आप पढ़ते से आंसर कर सकते हो एंड दैट इज द रीजन यहां पर इतने सारे बच्चे ऑलरेडी इसको आंसर कर रहे हैं, बट स्टिल अगर आप यहां पे एनालिसिस करना चाहते हैं, इट इज नथिंग रॉन्ग इन इट, आप यहां पे अच्छे से एनालाइज करके सही आंसर जो आपको लगता है उसको मार्क करें। एज आई वॉज सेइंग, यहां पर थोड़ा सा डिले हो सकता है बिटवीन वॉट यू आर सीइंग ऑन यूट्यूब एंड वॉट यू आर सीइंग ऑन Menti. Menti इज आई गेस फास्टर। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप menti.com के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है अपना ध्यान रखें, क्वेश्चंस को वहां से देखकर आंसर करने की कोशिश करें। ऑलराइट, ऑलमोस्ट 380, ऑलमोस्ट 400 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। यहां पर याला सवाल तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चा जो देख रहा है उसने आंसर करना चाहिए। ऑलराइट, एंड Yes, most of you are right. बिल्कुल यार, यहाँ पे ओजोन को कोई कैसे जो है ऑक्सीडाइज कर पाता। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही रहा अंदाजा। जिन बच्चों की गलती हो रही है वो इन सारे क्वेश्चंस को बच्चों फिर से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको याद रख सकते हैं। ठीक है, जो मैथ के क्वेश्चन है आप वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या गड़बड़ हुआ। ठीक है, एंड नाउ अंश इज एट द टॉप, अंश कॉन्ग्रेचुलेशन एंड लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, I suppose, will be from mathematics. So take your time. Yes, all right. So this second question is second question of mathematics is on your screen.
ओके सम स्टूडेंट्स आर रियली रियली फास्ट. आई होप आप जो है बच्चों अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर कर रहे हैं, बिकॉज इन द लॉन्ग रन द हिडन ट्रायल और जो तुक्का अप्रोच है वो लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करता है. ठीक है, सो इफ यू हैव टू बी इन द लीडर बोर्ड मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग इन करेक्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स बिफोर एक्चुअली आंसरिंग द क्वेश्चंस. ठीक है, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग इन. बच्चों बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही समय ज्वाइन किया है सेशन. कीप फॉलोइंग, है ना, कीप फॉलोइंग दिस सेशंस ताकि आप बैटल ऑफ ब्रेन्स में पार्टिसिपेट कर पाओ, क्योंकि ये स्क्रीनिंग राउंड है. यहाँ पे जो टॉपर्स होंगे उन्हीं को हम आगे इन्वाइट करेंगे बैटल ऑफ ब्रेन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. ठीक है, एंड गुड थिंग इज कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई बैटल ऑफ ब्रेन में पार्टिसिपेट कर चुका है, कोई अगर ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुका था, तो वो भी एक्चुअली यहाँ पे जो है फिर से अपीयर कर सकता है स्क्रीनिंग राउंड में. कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने पिछले ही बैटल ऑफ ब्रेन्स में जो है पार्टिसिपेट किया था तो इस बार नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, so everybody can participate in this, and this time let us see how many of you are correct. All right, most of you are correct, that is a good thing. 171 of you are correct, but a lot of you have answered this. Lagbhag 400 bachchon ne answer kiya tha. So let us see, is there any change in the leaderboard? Ya Ansh abhi yahan par top par rahega. All right, let us see. Okay, Hanish was at the top. All right, so something like this is the new leaderboard for us. ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स को देख के ज्यादा घबराओ नहीं. जब यहाँ पे हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप भी यहाँ पे लीडरबोर्ड में डेफिनेटली आ सकते हो. ठीक है, ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम फिजिक्स. ट्राई करें सारे बच्चे. अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू फोकस मोर ऑन योर मेंटी इंटरफेस. www.menti.com बच्चों आपको टाइप इन करना है अपने ब्राउजर में, वो आपसे कोड पूछेगा तो आपको एंटर करना है 741178. ठीक है, अगर आप ऐसा एंटर करते हो तो आपको ये क्विज वहां रन होते हुए दिखाई देगा. एंड यू नीड टू आंसर, यू नीड टू रिपोर्ट, यू नीड टू सबमिट योर आंसर थ्रू दैट इंटरफेस. आई गेस कई सारे बच्चे जो हमारे यहाँ पे रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं उन्होंने मेंटी ऑलरेडी इंटरफेस देखा हुआ होगा. अ लॉट ऑफ एजुकेटर्स ऑन दिस चैनल आर ऑल्सो यूजिंग दिस इंटरफेस फॉर देयर क्विज सेशंस. ठीक है, तो कीप फॉलोइंग दीज लेक्चर्स. जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अगर यहाँ पे किसी भी टॉपिक को रेडी करना चाहते हैं, आपको अगर लगता है कि आपके कोई टॉपिक वीक है जिस वजह से आप अभी यहाँ पे स्क्रीन ग्राउंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, देन यू नीड नॉट वरी, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल पे सारा कंटेंट बच्चों ऑलरेडी कवर्ड है. ठीक है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड. नेक्स्ट स्क्रीनिंग कब होगा? अच्छा मधुसूदन बेटा, नेक्स्ट स्क्रीनिंग आपका आई गेस नेक्स्ट वीक ही होगा, बट आई गेस गिव योर बेस्ट इन दिस स्क्रीनिंग राउंड ऑल्सो. ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पर जो है जो बच्चे अभी ऊपर हैं वही हमेशा ऊपर रहेंगे. ठीक है, गिव योर बेस्ट इन एवरी स्क्रीनिंग राउंड, देर इज अ लॉट टू लर्न. ठीक है, क्वेश्चन का कोई यहाँ पे जो है लिमिट नहीं होता है, देर आर इन्फाइनाइट क्वेश्चन. ठीक है, सो जिस भी क्विज को आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको अपना बेस्ट देके यहाँ पे अटेम्प्ट करो, है ना. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति जब रन होता है. ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स आते हैं जो बोलते हैं हम यहाँ पे तो 10 साल से कोशिश कर रहे हैं केबीसी में आने की. ठीक है, तो यहाँ पे वो हर साल कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि बैटल ऑफ ब्रेन्स आपका हर वीक हो रहा है, तो आप यहाँ पे हर वीक कोशिश कर सकते हो टॉप पर आने की और सिलेक्ट होने की. ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन एंड सी कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. दीपाली सिंह, मैं मेंटी यूज क्यों नहीं करता हूं? हाँ, मेंटी यूज करने से बस एक फायदा होगा दीपाली कि आपके नाम जो होंगे वो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे, बट वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पढ़ाने वाला जो फ्लो होता है, मेरा जो फ्लो है पढ़ाने का, उसमें थोड़ा सा हिंड्रेंस मुझे फील होता है. अगर इस तरह के आपके मेंटी सेशन जो मैं ले रहा हूं, अगर ये लेते लेते मुझे कंफर्ट फील होगा, देन आई वुड ऑल्सो ट्राई टू डू दैट. ओके दीपाली, ऑलराइट, ट्राई करें सारे बच्चे. बच्चों यहाँ पर फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आराम से करो, 30 सेकेंड आपके पास अभी और है. ठीक है, एंड लुक एट द क्वेश्चन दैट यू आर एबल टू सी ऑन द मेंटी इंटरफेस एंड देन आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, आपका नाम नहीं आ रहा है प्रखर का. प्रखर आपका नाम आना चाहिए बिल्कुल, अगर आप लीडर बोर्ड में आ रहे हो तो, है ना, तो बस कोशिश करते रहो. बोर्ड्स में मैथ्स में फुल आए हैं अजय के, कॉन्ग्रेचुलेशंस अजय. फुल इज रियली रियली समथिंग अमेजिंग, है ना, भले ही पेपर कितना भी इजी हो कितना भी डिफिकल्ट हो. ओके, केमिस्ट्री में क्या हो गया बच्चों? ओनली 24 ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस करेक्टली, हाउ इज दैट पॉसिबल? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेट अस लुक एट द न्यू लीडर बोर्ड नाउ. एंड नमन,
Naman has secured a lot of points in this particular question, and how much benefit he has. All right, so he has moved up to the fourth position with this single question. ठीक है, तो अगर किसी ने यहाँ पे लेट भी ज्वाइन किया है, आप यहाँ पे जो है नमन का जो ग्रोथ है वो देख सकते हो, और देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो है ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे लीडर बोर्ड में ऊपर चढ़ते जाएं. ठीक है, सो बस अपना बेस्ट देते रहो. ओके, अक्कड़ बक्कड़ ने गलत कर दिया. अवतार अवतार बेटा ऐसे कैसे चलेगा, अक्कड़ बक्कड़ तो गलत करेगा ही ना, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया. ऑरडी की इक्वेशन के बाद कौन सा चैप्टर होगा, सीक्वेंसेस एंड सीरीज करेंगे बेटा. ऑरडी के बाद में सीक्वेंस सीरीज कर लेंगे ताकि एक फ्लो में आपके कुछ अलजेब्रा के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर स्ट्रेट लाइंस. आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको जल्दी है, लेकिन अगर मैं वो फ्लो एकदम से अलजेब्रा से अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ले जाऊंगा तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे एनालाइज किया है इतने सालों में पढ़ा के, कुछ चीजें एक फ्लो में पढ़ा देनी चाहिए. ठीक है, सो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक फ्लो में पढ़ लिया. वैसे हम क्वाड्रेटिक के बाद में सीक्वेंस सीरीज और बायनोमियल एक फ्लो में पढ़ लेंगे. ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट में फिर दो चैप्टर्स हम लगातार करना चाहेंगे, स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स. ठीक है, कुछ इस तरह से हमें मैनेज करना है चीजों को. ओके, वन एक नंबर से रह गया विष्णु का. ओके, विष्णु इज सेइंग कि बस एक ही नंबर कमाए उसको मैथ्स में, बहुत बढ़िया. ऑलराइट, सो यार जो भी बच्चे यहाँ पे बोर्ड्स में अमेजिंग रिजल्ट लेके आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन. जिनका भी रिजल्ट यहाँ पे अच्छा नहीं आया है वो भी ज्यादा यहाँ पे परेशान ना हो. ठीक है, क्योंकि अभी तो लाइफ में और भी बड़े बड़े आपको टारगेट्स मिलेंगे, है ना, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आप जनरेट कर पाओगे. ठीक है, टेक इट एज अ लर्निंग. अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है तो, है ना, और जो बच्चे यहाँ पे बैटल ऑफ ब्रेन्स में पार्टिसिपेट करते हैं हमारे साथ में इंटरेक्शन करते हैं, छह बच्चे, उनको भी हम यही बोलते हैं कि यार आप छह बच्चे जो हैं, इतने सारे बच्चे जो अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर हमसे जुड़े हुए हैं, उनमें से आप विनर रहकर बैटल ऑफ ब्रेन्स में पार्टिसिपेट कर पाए हो, दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग विन, है ना. बाद में आप यहाँ पे जो है जो प्राइज मनी हो जीत पाए हो या नहीं जीत पाए हो, दैट इज सेकेंडरी. ठीक है, बट हाँ बेस्ट देना चाहिए. लेकिन अगर हमें फाइनली वो आउटपुट नहीं मिलता है जो हमें एक्सपेक्टेड होता है, तो भी यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है निराश होने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस. ऑलवेज रिमेंबर दिस, देर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस. ऑलराइट, प्रेयसी सिंह सर आपकी रात वाली क्लास कुछ ज्यादा ही रात को होती है, नींद आ जाती है तब तक. ओके ओके, आई विल ट्राई. बिकॉज यहाँ पर होता क्या बेटा कि हमारे जो शाम का टाइम है वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे जो क्लासेस हैं वो लेने में चला जाता है, तो आई एम बिजी टिल 8:30 के बाद में ही मुझे यहाँ पे जो है समय मिलता है आपकी यूट्यूब क्लास लेने का. तो दैट इज द रीजन दैट आई हैव सिलेक्टेड दैट टाइम. लेकिन आप अगर कोशिश करोगे तो आपको आदत लग जाएगी. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रीफर लेसन्स दैट आर बींग टॉट इन द नाइट. ठीक है, जीतने वालों को क्या मिलेगा, अरे ये आपको पता नहीं है. अरे अरे, यहाँ पर मैंने बेटा बताया ना, जो आपके टोटल टॉप सिक्स कंटेस्टेंट्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे बैटल ऑफ ब्रेन्स के एक्चुअल एपिसोड में. दिस इज जस्ट द स्क्रीनिंग राउंड विच इज हैपनिंग हियर. लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है, अगर आप ये क्लियर नहीं करोगे तो आप बैटल ऑफ ब्रेन्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. ठीक है, दिस इज द फ्लो दैट वी हैव डिसाइडेड कि यहाँ पर बच्चे जो बैटल ऑफ ब्रेन्स में पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन होना चाहिए, वो हमारे ही बच्चे होना चाहिए जो ऑलरेडी अनअकैडमी जेई चैनल पे हमसे जुड़े हुए हैं. ठीक है, इसलिए स्क्रीनिंग राउंड हम आपका ले रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. एंड आफ्टर दैट द टॉप टू, है ना, पहले छह बच्चे सिलेक्ट होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे, एंड द टॉप टू विल देन फाइनली गेट द प्राइज मनी, है ना. जो यहाँ पे टॉप करेगा उसको 50,000 रुपीज का प्राइज मिलेगा, एंड जो सेकेंड रहेगा उसको 25,000 का प्राइज मिलेगा. दैट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ स्टूडेंट हु इज करंटली इन 11th 12th, है ना. वी ऑल्सो आस्क्ड स्टूडेंट्स कि यार आप करोगे क्या, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, स्टार्ट करो उसको. ये आप करोगे क्या, इतना सारा पैसा आपके पास में अगर आ रहा है तो. सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली सेट कि यार वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन द टेक्नोलॉजी जो उनको यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन में हेल्प करेगी. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे या तो लैपटॉप लेना चाह रहे हैं या फिर मोबाइल लेना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा मोबाइल जो उनको अनअकैडमी की क्लासेस या फिर दूसरी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, है ना, उनकी क्लासेस देखने में हेल्प करें. सो दैट इज अ वेरी गुड वे टू एक्चुअली यूज द प्राइज मनी दैट यू विल रिसीव वंस यू बिकम अ विनर ऑफ बैटल ऑफ ब्रेन्स. दैट्स रियली ग्रेट. माहिर सेइंग कि मेंटी के लेक्चर को बाद में देखने में दिक्कत होती है. हाँ, ये मैंने भी रियलाइज किया है, बिल्कुल सही बोल रहे बेटा.
जेई कर सकते हो, जेई मेन आपके अगर 75% एक बार एलिजिबिलिटी देख लेना यार, वो चेंज करते रहते हैं ना, कभी वो 60 बोलते हैं, कभी 70 बोलते हैं, कभी 80 बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इस साल का चेंज कर लेना, इस साल का चेक कर लेना, है ना, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आई गेस 75 इज अ वेरी गुड मार्क, है ना। प्लस सब्सक्रिप्शन में किसी भी बैच के टीचर से आप पढ़ सकते हो। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, ऐसा ही है प्लस सब्सक्रिप्शन आपका। ऑलराइट, सो अगेन मैक्सिमम ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली, बहुत बढ़िया है ना। मतलब 380 बच्चों ने इसका आंसर दिया था, उसमें से 230 बच्चों ने इसको सही किया है। दैट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, एंड लेट सी कि किसने यहाँ पे जल्दी किया था इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, तो मैक्सिमम पॉइंट्स आर नाउ received by Sanchit, I guess, in this particular round. Let us proceed with our next round, ठीक है? Let us proceed with our next question, ठीक है? आपको क्या करना है बच्चों? आपको यहाँ पर menti.com के ऊपर जाना है, ठीक है? Before I show you the next question, let me again tell you, आपको जाना है www.menti.com के ऊपर, वहाँ पर आपसे कोड पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे 741178 कोड एंटर करोगे, एंड देन आपको यहाँ पर जो मैं अब क्वेश्चन आगे शो कर रहा हूँ, वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, वहां पर आपको आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? अगेन अ मैथ क्वेश्चन, ट्राई करो इसको, 1 मिनट के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा शायद, है ना, इसको ट्राई करो। ऑलराइट, 11th आपका अच्छा नहीं गया, ज्यादा परेशान हो राहुल? राहुल बेटा यही तो अब यहाँ पे अच्छी बात हो गई है कि ये जो आपके साथ प्रॉब्लम है, ये तो पहले भी बहुत सारे बच्चे फेस करते थे, लेकिन अब बेटा राहुल आपके साथ में यहाँ पे फैसिलिटी क्या है, आपको ऑन अकेडमी जे जैसा एक चैनल मिला हुआ है जहां पर आपका पूरा कंटेंट है, 11th का भी है, 12th का भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अगर ये पता कर लिया है कि हमसे गड़बड़ हो गई 11th में, तो उसको रेक्टिफाई भी आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेक्टिफाई करने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। आपको लेट से बायनोमियल थ्योरम में प्रॉब्लम आ रही है, लेट से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉब्लम आ रही है, एवरी टॉपिक इज बीइंग कवर्ड ऑन दिस चैनल, ठीक है। ऑलरेडी आप वहां पे प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, अगर वो प्लेलिस्ट आप देखोगे, आई कैन गारंटी कि आपका मेंस बहुत अच्छा जाएगा, और एडवांस के लिए आपको थोड़ी और प्रैक्टिस अपने साइड से करनी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप अप्लाई कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। वी हैव टॉट अप टू एडवांस लेवल, लेकिन एडवांस क्लियर करने के लिए बच्चों की जो मेहनत है ना, दैट ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल। मेंस में तो क्या है, मेंस में बच्चे ज्यादा मेहनत अगर नहीं भी करते हैं ना, और केवल जो हमारे लेक्चर है वो भी देख लेते हैं, तो भी उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। एडवांस के लिए आपको थोड़ी और जो है अपनी साइड से मेहनत करते रहना चाहिए, बिकॉज इट इज ए कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, है ना, एंड नोबडी कैन डिनाई कि यहाँ पर अगर हमारे पास 11 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप यहां से जो सीख रहे हो वो 11 लाख बच्चे भी सीख रहे हैं, ठीक है। आई कैनॉट से कि यहाँ पे हर बच्चे ने हर कुछ देखा है, ठीक है, लेकिन 11 लाख में से कम 10,000 बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने एक्चुअली सब कुछ देखा है, ठीक है। तो वो बच्चे अगर यहाँ पे लेट से रेफरेंस बुक के कुछ और क्वेश्चंस भी अगर करेंगे, तो दे विल स्टैंड अ मच बेटर चांस, है ना, क्योंकि उनकी जो है प्रैक्टिस और ज्यादा हो गई है, उनकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ गई है, उनको अपना कैलकुलेशन और अच्छे से जो है समझ में आ रहा है, कहाँ गलती करते हैं कहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। सो बस यही मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सारे लेक्चर्स देखो पहले तो, और सारे लेक्चर्स देखने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, और अपने जो एडवांस जैसे कुछ क्वेश्चंस है जिसके अंदर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लाना पड़ता है वो भी करो, ठीक है। क्लास 10th बेस्ट मैथ बुक फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में तो यार हम तो आरडी शर्मा ही पढ़ते थे, आई गेस अभी भी वही टॉप पे चल रहा होगा आरडी शर्मा फॉर क्लास 10th। ऑलराइट, ओके, सो लेट अस लुक एट द रिजल्ट दिस टाइम। यहाँ पर आपने 379 स्टूडेंट्स ने आंसर किया था, जिसमें से केवल 97 बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, वेरी वेरी सैड, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन और अच्छे से करना। लेट अस लुक एट द लीडर बोर्ड, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैटल ऑफ द ब्रेन्स, यस, ऑलराइट, सो गुड क्वेश्चन, लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन टू ऑल द न्यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन, ठीक है। ये आपका लीडर बोर्ड बच्चों कैसे जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे जो 379 स्टूडेंट्स ने आंसर किया था इस क्वेश्चन को, कहाँ किया था, www.menti.com के ऊपर किया था, बाय एंटरिंग द कोड 741178, इससे उनको क्विज दिख रहा है जो मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। सो गो टू दैट इंटरफेस अगर आप भी यहाँ पे जो है एलिजिबल होना चाहते हो। तो एक बच्चा पूछ रहा था सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी इजी, है ना, यू नीड टू बी इन 11th 12th या फिर ड्रॉपर,
है ना, जिसके लिए हम आपसे जो है आपकी मार्कशीट पूछेंगे फॉर प्रूफ, हम आपसे फोटो आईडी भी लेंगे फॉर प्रूफ, ठीक है। सो यू नीड टू बी इन दैट रेंज, है ना, इन क्लास में आपने होना चाहिए, पहली बात तो एलिजिबिलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने स्क्रीनिंग राउंड में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड दिस इज द स्क्रीनिंग राउंड विच इज गोइंग ऑन फॉर एपिसोड 8, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी आई गेस क्लियर है सारे बच्चों को। आपको पहली बात तो 11, 12 या फिर ड्रॉपर में से कोई एक स्टूडेंट हो ऐसा आपको प्रूव करते आना चाहिए, एंड देन यू नीड टू बेसिकली शो अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन स्क्रीनिंग राउंड, ठीक है। तो आपने अगर ये स्क्रीनिंग राउंड पहले अटेंड नहीं किए हैं, देन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस तरह के स्क्रीनिंग राउंड को बार बार अटेम्प्ट करते रहो, आपने यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस भी टेस्ट होते रहेगा, ठीक है। और आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी होता रहेगा। तो आपका लेट से एपिसोड 8 में नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ सीखा इस तरह का मेंटी क्विज देके, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली अगले जो मेंटी क्विज होगा उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। 83% गुड है क्या? अरे 83% तो बहुत अच्छा है ना, 83% तो वाकई बहुत अच्छा है। Alright, so this time 207 students answered this correctly and this is a very good result considering ki 350 bachchon ne iska answer kiya tha. Hi Shardul. Okay. Alright, so let's look at the new leaderboard here and Vinu is at the top followed by Sahil and Anubhas. Congratulations bachcho. Let's move on. I hope sare bachche yahan par jo hai कोऑर्डिनेट अब ठीक से कर पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि YouTube में आपको जो बेटा यहाँ पे दिख रहा है ना, उससे पहले आपको menti.com के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक्चुअली menti.com के ऊपर स्टार्ट हो गया। सो बी वेरी विजिलेंट ऑन menti.com, www.menti.com आपको जाना है और कोड एंटर करना है 7411178 अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो, ठीक है, अभी भी आपने आंसर मार्क करना स्टार्ट नहीं किया है तो, ठीक है। ओके, सो आई कैन सी दैट देयर इज सम डिले। तुषार फ्रॉम इवॉल्व बैच, यस यस तुषार, बिल्कुल यू आर एलिजिबल बेटा, है ना। आप बस यहाँ पे इवॉल्व बैच में हो या फिर ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यू नीड टू बी जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ अनअकैडमी जेई, है ना, अनअकैडमी जेई के आप बच्चे हो ऑलरेडी, तो आप इसमें पार्टिसिपेट डेफिनेटली कर सकते हो। आपने यहाँ पे इनफैक्ट अगर पीछे वाले कुछ एपिसोड देखे होंगे तो उसके अंदर भी कई सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म वाले बच्चों ने ज्वाइन किया था, ठीक है। 97 आया सलोनी का, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। ओके, आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट इशू अगेन। ओके, सो लेट मी जस्ट चेक। ऑलराइट, सो अच्छा, तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेस करके देखता हूं, आई थिंक उससे कुछ बेनिफिट होगा। आई होप आपको वहां पे menti.com पे भी चीजें चेंज होती हुई दिख रही होंगी। ओके, सो आई वॉज नॉट एबल टू सी द क्वेश्चन ऑन माई स्क्रीन, है ना, लेकिन कई सारे बच्चों ने आंसर किया है क्योंकि वो menti.com के ऊपर थे, ठीक है। एंड सिमिलर थिंग यू मस्ट हैव नोटिस्ड ऑन योर यूट्यूब स्ट्रीम ऑल्सो, ठीक है, आपकी जो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम चल रही है उसके अंदर आपको सवाल शायद नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन जो बच्चे menti.com के ऊपर अच्छे से जुड़े हुए हैं उन्होंने यहाँ पर आंसर कर दिया था, कई सारे बच्चों ने आंसर कर दिया था, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप भी सारे बच्चे जो हैं menti.com के ऊपर बने रहे, www.menti.com के ऊपर आपको जाना है और कोड एंटर करना है 7411178। ऑलराइट, ओके, सो दिस टाइम द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन अगेन। बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पर सवाल है आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आपको यहाँ पर निकाल के बतानी है। ओके, तो सो मेनी स्टूडेंट्स आर आंसरिंग दिस, उन्होंने ऑर्डर, आप सारे बच्चे भी वहां पर देखें कि क्या सवाल है। मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में 100 सलोनी, दैट इज अ डबल सेंचुरी, बहुत बढ़िया। अनिश, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप लेट भी हो गए हो तो आप यहाँ पे जो है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अटेम्प्ट करो, ताकि अगली बार जब आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपको पता रहेगा किस तरह से इंटरफेस यूज करना होता है ना, किस तरह के सवाल आते हैं,
है ना, ऑलवेज ऑलवेज गुड टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. सर कौन से क्लास के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्क्रीन टेस्ट? ये आपके क्लास 11th के क्वेश्चन से बेटा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है. इसलिए आपका जो एलिजिबिलिटी है उसमें मैंने आपको बताया कि आप 11th 12th या फिर रिपीटर हो गए तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है. एंड बट देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो 9th 10th में ही यहाँ पर जो है 11th 12th की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. इन दैट केस यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट, है ना. आपको कोई यहाँ पे जो है रोक टोक नहीं है. अगर आपके पास में ज्ञान है तो फिर आप बिल्कुल यहां पर जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो, ठीक है. ऑलराइट, रिचा बोल रही कि यहां पे कम से कम 2 मिनट मिलना चाहिए. अच्छा रिचा, तो 2 मिनट तो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा क्या? 2 मिनट में तो कई सारे बच्चे आंसर कर देंगे. सो इट इज ऑल्सो अबाउट द स्पीड विथ विच स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर, ठीक है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द क्वेश्चंस, बट इट ऑल्सो अबाउट अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स एज यू नो फास्ट एज पॉसिबल. जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स. जो ज्यादा आंसर जल्दी करेगा उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. नोट्स कैसे डाउनलोड करते हैं श्वेता? इट इज वेरी वेरी इजी बेटा. नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको किसी भी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाता है, वहां से आप डायरेक्टली पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. या फिर आपको अगर सारे ही नोट्स एक साथ चाहिए, एक साथ आपको डाउनलोड करने का फैसिलिटी चाहिए, देन यू कैन गो टू tinyurl.com/jeemobile. जेई मोबाइल वाला जो आपका लिंक है उसमें आपके सारे ही लेक्चर्स के पीडीएफ हमने बड़ी मेहनत से हर लेक्चर के आगे अटैच करके रखे हैं, ठीक है. वहां से आप आसानी से सारे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. अच्छा सईद का रिजल्ट फरवरी में ही आ गया था. अरे बड़े तेज है आपके बोर्ड वाले, फरवरी में कैसे रिजल्ट आ गया था आपका? आर 12th स्टूडेंट्स अपीयर्ड आल्सो अलाउड? यस, अगर आप 12th ऑलरेडी अपीयर अभी 2020 में कर चुके हो, यू कैन डेफिनेटली टेक पार्ट इन दिस. डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज यू स्टिल हैव टू गिव योर मेंस एंड एडवांस, राइट. सो यहाँ पर आपका जो सेशन है, एकेडमिक ईयर है, वो अननेसेसरी स्ट्रेच आउट होते जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड प्रॉब्लम. So basically because of that you can definitely participate in this. All right, chalo, to 155 students were correct in this particular case. Let us look at the new leaderboard now. All right, so Vinu is doing really good. All right, then we have Shastri and Vedant and best. बेटा यहाँ पर मैं आपको यूजुअली रिकमेंड तो ये करता हूँ कि आप जो भी यहाँ पर नाम रख रहे हैं, ठीक है, वो अपने जो ओरिजिनल नाम है वही रखें, ठीक है, ताकि जब यहाँ पर टीम आपके साथ में कोऑर्डिनेट करेगी कि भाई आपने यहाँ पे जो है काफी अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है. जो भी बच्चे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिख रहा होगा, ठीक है. आपका एक बार ये क्विज खत्म हो जाता है तो उस फॉर्म को जरूर फिल आउट करें, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपसे कॉन्टेक्ट कैसे किया जाएगा, आपका एक्चुअल नाम क्या है, ठीक है. तो वो कोऑर्डिनेशन करने के लिए टीम को आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है. सो हुएवर इज डूइंग रियली गुड इन दिस पर्टिकुलर क्विज, डू फिल आउट दैट फॉर्म विदाउट फेल, ताकि टीम आपके साथ में अच्छे तरीके से जल्दी से कनेक्ट हो पाए, ठीक है. ऑलराइट, तो फॉर्म फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन योर स्क्रीन. ट्राई करो सारे बच्चे. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का काफी इंटरेस्टिंग सवाल है. राइट आउट. सर विदाउट एनी बुक बट बाय अनअकैडमी जेई नोट्स? यस सिद्धार्थ, बिल्कुल आप कर सकते हो. 95% आप जेई में ला सकते हो, ठीक है. 95% वैसे आप लिख रहे हो या परसेंटाइल लिख रहे हो, ठीक है. अगर आप परसेंटाइल सोचते हो तो 95% एक्चुअली कम होता है, ठीक है. 95% इज नॉट दैट गुड, 99% इज गुड, ठीक है. तो आप 99% प्लस ला सकते हो अनअकैडमी जेई के नोट्स का यूज करके. लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको नोट्स कैसे एक्चुअली यूज करना है, ठीक है. आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं वो खुद से करना है. केवल सॉल्यूशन देख के अगर आप ये सोचोगे कि हमारी प्रिपरेशन हो गई है, देन दैट विल नॉट वर्क आउट दैट वेल, ठीक है. यहाँ पर आपके साइड से जो मेहनत रिक्वायर्ड है वो आपको करनी ही पड़ेगी. बिना मेहनत के यहाँ पर जो है 99% लाना काफी मुश्किल होता है बेटा, ठीक है. एंड दैट इज वॉट आई वुड एडवाइज यू कि आप यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन है उनको खुद से भी ट्राई करो और सोचो कि यार यही हमने करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है. ऑलराइट, सो 180 स्टूडेंट्स आंसर्ड दिस करेक्टली. And I will get back to answering that particular question जो एक बच्चे ने पूछा यहाँ पे कि क्या हम Unacademy JEE के notes से ही यहाँ पे बहुत अच्छा perform कर सकते हैं क्या, ठीक है. Alright. Alright. So this is the new leaderboard and let us proceed with our next question.
ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन द स्क्रीन menti.com को आप ध्यान से देखो अगर आपने अभी भी लॉग इन नहीं किया है यूज द कोड 741178 टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन रियल टाइम ताकि आपके आंसर्स यहाँ पे हम नोट कर पाए और आपका लीडर बोर्ड में नाम आ पाए ठीक है ओके तो यहाँ पर जैसे बच्चा एक पहले पूछ रहा था कि सर यहाँ पे हम जे लाइव डेली के सारे नोट्स देख के क्या हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यस बच्चा 95 बोल रहा था मैं 99 बोल रहा हूँ ठीक है आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो ठीक है लेकिन फिर से यहाँ पर वही बात जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ हमारे जो गाइडेंस सेशंस होते हैं उनमें मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप अगर विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देखते रहोगे दिन भर देखते रहोगे साल भर तक देखते रहोगे ठीक है तो उससे आपकी बैटिंग इंप्रूव नहीं होगी आपको अगर अपनी बैटिंग इंप्रूव करना है अगर आपको वहां पे जाके सेंचुरी बनानी है ग्राउंड के ऊपर तो आपको एक्चुअली पसीना बहाना पड़ेगा आपको यहाँ पर 10 बार आउट भी होना पड़ेगा आपको 10 बार जो है सिंगल्स भी लेने पड़ेंगे तब जाके आप यहाँ पे जो है सिक्सर और जो है बाउंड्रीज माने लायक बनोगे ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कोरोलरी जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ठीक है कि भाई जैसे कि वहां पे विराट कोहली अगर आपको बनना है तो आपको ग्राउंड में जाके पसीना बहाना पड़ेगा वैसे ही आपको अगर IITian बनना है ठीक है तो जैसे कि मैं IITian हूं ठीक है तो आप अगर मुझे केवल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखोगे ठीक है तो उससे आपको लर्निंग तो मिल जाएगी नो डाउट जैसे कि आप अगर विराट कोहली की बैटिंग देखते रहोगे तो आपको एक समझ में आ जाएगी कि यार एक अच्छा बैट्समैन जो होता है वो कैसे खेलता है वो कैसे सोचता है बाउंसर आती है तो वो क्या करता है अगर जो है स्लोअर वन आती है तो वो क्या करता है ठीक है अगर यॉर्कर आती है तो वो क्या करता है ठीक है आपको ये दिमाग में सारी चीजें फिट हो जाएंगी है ना और वही यहाँ पे हम हेल्प आपकी कर सकते हैं कि भाई अगर ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा अप्रोच करना वैसा सवाल आएगा तो वैसा अप्रोच करना ठीक है लेकिन उसके बाद में आपको उस तरह के सवाल की जो है खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगी बात कि ओ हाँ अब हम वाकई जो है IITian बनने लायक हो चुके हैं अब हम वाकई सेंचुरी मारने लायक प्लेयर बन चुके हैं ठीक है वो जब तक आप पसीना नहीं बहाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा ठीक है तब तक आपको केवल एक इल्यूजन रहेगा कि आप जो है बहुत अच्छा जो है सब्जेक्ट नॉलेज रखते हो ठीक है केवल नॉलेज रखना नहीं है आपको नॉलेज को अप्लाई भी करना है वो भी लिमिटेड टाइम में अप्लाई करना है ठीक है जैसे कि यहां पर आपको एक मिनट दिया है इसमें आपको क्वेश्चन समझना भी है क्वेश्चन सॉल्व भी करना है आंसर टिक भी करना है ठीक है तो जो बच्चे यहाँ पे जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे हैं उनको यहाँ पे जो है ऊपर आने को मिल रहा है आर यू गेटिंग दिस पॉइंट तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस आप यहाँ पे क्योंकि जे लाइव डेली के ऊपर बेसिकली क्या है इट इज योर वीडियो बुक बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हम सिंगेज अगर पढ़ लेंगे तो एडवांस क्लियर हो जाएगा क्या व्हाई डू यू डाउट दैट व्हाई डू यू डाउट कि सिंगेज कम है व्हाई डू यू डाउट कि अनअकैडमी जेई के लेक्चर्स कम है क्या आपने एक्चुअली बुक खोल के देखी है या आपने यहाँ पे सिंगेज खोल के देखी है आपको कहीं से ऐसा खोल के लगता है कि भाई वो बुक कम पड़ेगी आपको अगर आप खुद से ये एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो कि वो बुक हमारे सफिशिएंट ही नहीं है देन आई गेस यू नीड टू फर्दर लुक एट मल्टीपल बुक्स फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है ठीक है बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि यार अनअकैडमी जेई के नोट सफिशिएंट है कि नहीं ठीक है तो या तो आप अपने सीनियर से पूछ लो जिन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो है चैनल का यूज करके बहुत अच्छा परसेंटाइल निकाला हुआ है या फिर आप खुद से मल्टीपल यहाँ पे जो है बुक्स रेफर करो मल्टीपल चैनल्स रेफर करो और फिर अल्टीमेटली आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ ये वाकई सफिशिएंट ठीक है लेकिन उसमें भी मेहनत आपको अपनी साइड से करनी पड़ेगी सामने वाला कोई अगर आपको बोलेगा तो उतना उसका इफेक्ट नहीं बनता है ठीक है तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन है ना कि भाई हाँ यार सिंगेज सफिशिएंट है अरिहन सफिशिएंट है जे लाइव डेली के नोट्स सफिशिएंट है ठीक है अब दिमाग इधर उधर नहीं मारना है इतना पढ़ो और जे क्लियर करो ठीक है ऐसा आपको एक कंक्लूजन निकाल के रखना पड़ेगा ओके ऑलराइट ऋषिका अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो ऑलराइट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म तो आई गेस वहां पे जो है कोई जो टीम है स्टूडेंट केयर टीम जो है वो कॉल करेगी शायद आपको इन दैट केस आप वहां पे रिक्वेस्ट डाल के रख सकते हो शायद जो भी टेक्निकल इशू आ रहा है दे कैन हैंडल दैट सॉल्यूशन कहाँ चेक करेंगे यस अख्तर हाँ यार अब इसका भी कुछ हमें निकालना पड़ेगा तोड़ क्योंकि अभी क्या है अभी मैं बीच में सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर सकता हूँ इसके क्योंकि अभी तो आपका स्क्रीन ग्राउंड चल रहा है ठीक है सो सॉल्यूशंस कहाँ हम बच्चों के साथ में डिस्कस करें इन सारे क्वेश्चंस का वो भी एक बहुत अच्छा सेशन हो सकता है ना एंड वी आर थिंकिंग अबाउट इट डोंट वरी अबाउट दैट लेकिन साइड बाय साइड आप क्या कर सकते हो जब आप यहाँ पे सेशन को रीप्ले करके देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी ऑल द क्वेश्चंस ठीक है आप उन क्वेश्चंस को है ना पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ठीक है
पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, क्या करें? वेरी गुड, ठीक है चलो. सो आई विल आंसर दैट क्वेश्चन, लेकिन पहले मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए. पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, क्या करें, ये क्वेश्चन का आंसर करता हूं मैं. जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे तब तक मैं उस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ. यार क्या करोगे यार, आप पढ़ते पढ़ते बोर कैसे हो जाते हो यार? मुझे याद है कि मैं जब स्टूडेंट था तो मैं तो कंटिन्यूअसली बैठा रहता था यार, मतलब लिटरली यार, मैं मतलब काफी एंजॉय करता था सारे क्वेश्चंस को करना. मतलब फिजिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, फोर्सेस लग रहे हैं इधर उधर, है ना, फिर रिजल्टेंट फोर्स निकाल के भाई निकाल दिया आंसर, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दिया है, बीच वाले ब्लॉक को खींच लिया है, उसमें फ्रिक्शन है उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो ये तो सोचने में काफी इंटरेस्ट आता है यार. आपको अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आपने आई गेस एक बार फिर से जे लाइव डेली के जो है लेक्चर्स देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है. यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को कंटेंट जो है इंटरेस्टिंग लगे, है ना, या फिर इजी लगे एटलीस्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है जब बहुत सारी चीजें टफ हो जाती है ना तो भी हमारा मन नहीं लगता है. तो देयर कुड बी अनदर रीजन कि आप मेरे ख्याल से जो अभी सोर्स सॉल्व कर रहे हो सकता है आप यहाँ पे लेटर से सिंगल सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर सारे सारे सवाल लेटर से डिफिकल्ट आ गए आपके लेवल के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि यार सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहां पर भी जो है इंटरेस्ट एकदम से लूज हो जाता है. बीच में से जो सक्सेस है ना वो भी मिलती रहनी चाहिए. अगर आप यहाँ पे एटलीस्ट पांच सवाल कर रहे हो तो एटलीस्ट तीन में तो सक्सेस मिले, जब पांच में से तीन में सक्सेस मिलेगी तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, जब पांच में से पांच में फेलियर मिलेगा ना तो आप बोलोगे छोड़ो यार हमको तो बायनोमियल समझ में आई नहीं रहा, हम जो है कुछ और करते हैं, हम जो है थोड़ी देर दोस्त से बात करके देखते हैं कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है. तो ये सब हरकतें तब होती हैं जब हमें क्वेश्चंस हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते. तो मेक श्योर कि आप जब भी बैठो तो आपसे क्वेश्चंस बने, ठीक है. अब क्वेश्चंस अगर नहीं बन रहे हैं तो या तो आपका जो थ्योरी है वो वीक है इसलिए नहीं बन रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है, ट्राई करें सारे बच्चे. हाँ तो यहां पर मेरी बातों में आप जो है अपने क्वेश्चंस को आंसर करना मत भूल जाना, ठीक है. आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी menti.com पे आपको दिख रहा होगा, ट्राई टू आंसर दैट. उनके फॉर्मूले बहुत हैं, अच्छा कितने क्वेश्चंस और बाकी हैं? नॉट अ लॉट, बट आई गेस ऑलरेडी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विद अस जो यहां पर आंसर कर रहे थे. जेई मेन में आपका 95% आया ना प्रतीक, आपका अगर जेई मेन में 95% आया है तो मैं वही कह रहा था कि 95% पे आप एक बार चेक करके देखना कि आपकी रैंक क्या बनती है, ठीक है, क्योंकि आपको बताया कि लगभग 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है, और 10 मान के चलो, 10 से कम भी होंगे तो भी आप 10 ही मान के चलो, ताकि एक आपको वर्स्ट सिनेरियो पता चले कि यार 10 लाख बच्चों ने अगर हमारा पेपर दिया है एंड आपका 95% आया है, मतलब 5% बच्चे आपसे आगे, तो व्हाट इज 5% ऑफ 10 lakhs, ठीक है, व्हाट इज द 5% ऑफ 10 lakhs, ठीक है, तो वहां से आपको अपना रैंक पता चलेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हमें नेक्स्ट जो आने वाला मेन्स है उसके अंदर और कितना परसेंटाइल इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है. Alright. क्योंकि हमें 90, जैसे ही हमारे जो है परसेंट 90 में दिखने लगते हैं हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, बट दिस इज वेरी डिल्यूजनल, ये गलत बात है. आप जो यहाँ पे परसेंटाइल देख रहे हो, ठीक है, वो एक्चुअली एक तरीके से रैंक ही है. तो अगर आपका यहाँ पे 99 के आसपास अगर परसेंटाइल आ रहा है, ठीक है, देन यू आर इन टॉप 1%. आर यू गेटिंग दिस? 99% वाले बच्चे टॉप 1% बच्चों में है, टॉप 1% ऑफ 10 lakhs, ठीक है. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन योर स्क्रीन, देखें सारे बच्चे आराम से. पढ़ते पढ़ते अगर आप बोर हो रहे हो तो उसका क्या करेंगे? हाँ, इसका मैंने आंसर वैसे कर दिया है लेकिन बच्चा अभी भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ओके, अच्छा आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, एक बार फिर से सौम्यदीप एक बार रिफ्रेश करके देखना यार, कुछ दिखना तो चाहिए आपको क्वेश्चन, ठीक है. आप यहाँ पे जो है सब्जेक्ट चेंज करने के बारे में सोच सकते हो, है ना, कि पहले आप अगर यहाँ पे मैथ्स करके बोर हो गए तो थोड़ा फिजिक्स कर लो, फिजिक्स करके बोर हो गए थोड़ा सा केमिस्ट्री कर लो, ठीक है, या फिर आप डिफिकल्ट टॉपिक करते करते बोर हो गए थोड़ा सा बीच में से सिंपल टॉपिक कर लो, ठीक है. ये सारी चीजें आप कर सकते हो ताकि आप जो है इधर उधर अपना टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहे हो और आपकी पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू हो रही है और आपको बोरियत भी नहीं हो रही है, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू. नीतू इज सेइंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कराया करो. एनसीईआरटी क्वेश्चंस मुझे लगता है कि ऑलरेडी कवर हो जाते होंगे हमारे लेक्चर्स में, तो स्पेसिफिकली अगर आपको एनसीईआरटी का डिस्कशन चाहिए देन देयर इज अ सेपरेट चैनल व्हिच इज कॉल्ड अनअकैडमी 11th 12th. अनअकैडमी 11th 12th, आप जस्ट यहाँ पे YouTube के ऊपर सर्च करके देखना. अनअकैडमी 11th 12th स्पेसिफिकली जो है 11th 12th की रिक्वायरमेंट रखने वाले बच्चों के लिए
एक चैनल है एंड यू कैन गेन अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैट दोस चैनल्स आल्सो, क्योंकि वहां पे 11th की लर्निंग के साथ साथ और भी दूसरे जो आपके पेपर्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती हैं, उनका भी डिस्कशन वहां पे किया जाता है. ठीक है, सो यू ऑल कैन एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर चैनल. कैलकुलस स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कैलकुलस स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, कॉनिक सेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, सभी का एक ही आंसर है. ठीक है, ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर आई आंसर दिस. ओके, सिर्फ जे लाइव डेली 99% लाने के लिए काफी है. यस यस बेटा, वही तो मैं आपको समझा रहा था और यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा शक क्यों करते हो. आपके साथ में एक ऐसी टीम जुड़ी हुई है जो इंडिया की टॉप टीम है. ठीक है, आपके साथ में वो रेगुलरली आ रही है, डिस्कशंस कर रही है, थ्योरी सेशंस के साथ साथ प्रैक्टिस सेशंस भी कर रही है. ठीक है, सो यहाँ पे ये डाउट क्यों आ रहा है. आप अगर किसी भी एक लेट से कोचिंग को ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो वो आपको बोलते हैं कि चलो अब हम आपको ये पढ़ाएंगे और ये आपका होमवर्क है और ये पर्टिकुलर आपको मटेरियल सॉल्व करना है, तो वहां तो शक नहीं करते बच्चे. वहां पर ये बोलते हैं कि हाँ यार, ये तो इंस्टीट्यूट के नाम में ही, क्योंकि जेई मेन्स एंड एडवांस लिखा हुआ है, तो ये इंस्टीट्यूट हमको जो भी बोल रहा है करने के लिए वो बिल्कुल सही है. ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल से बच्चों को डाउट इसलिए आता है कि भाई जब यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाखों रुपए देकर हमें कुछ पढ़ा रहे हैं, तो कोई हमें फ्री में उतने ही अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे नॉलेज कैसे दे सकता है. ठीक है, आई गेस दैट इज द ओनली रीजन स्टूडेंट्स डाउट कि यार क्या ये सफिशिएंट है या नहीं है, और वो बार बार हमसे पूछते हैं. ठीक है, या फिर वो हमसे पूछते हैं इसलिए भी बिकॉज हम उसको आंसर करने के लिए रेडी हैं. वहां पे अगर वो किसी कोचिंग में जाके पूछेगा सर ये सफिशिएंट है कि नहीं, तो उसको तो बड़ा सुनने को मिलेगा वहां पे. ठीक है, तो यहाँ पे उसको डर नहीं लगता है ना, ऑनलाइन वो अपने घर पे बैठा है, हम अपने घर पे बैठे हैं, तो बच्चे पूछ लेते हैं इस तरह के सवाल. ठीक है, कि सफिशिएंट है कि नहीं, एंड हमारा आंसर हर बार ये रहेगा बेटा ये बिल्कुल सफिशिएंट है. यहाँ पर दिस इज अ काइंड ऑफ ए रिवॉल्यूशन दैट वी हैव स्टार्टेड. ठीक है, कि भाई क्वालिटी एंड फ्री कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, हर एक बच्चे का यहाँ पर जो है फाइनेंशियल जो है उतना स्ट्रांग नहीं होता है बैकग्राउंड कि वो इतने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट्स को अफोर्ड कर पाए. ठीक है, सो व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स, तो उनके लिए यहाँ पे जो है ये रिवॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया है. बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन अफोर्ड सच कॉस्टली इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो प्रिफरिंग अनअकैडमी जेई चैनल एज कम्पेयर टू दोज इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि जब वो उन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं और उन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के बाद में उनको टॉपिक समझ में नहीं आता है और फिर वो आके इस चैनल के ऊपर उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को देखते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है. ठीक है, और फिर उनसे क्वेश्चन बनने लग जाते हैं. ठीक है, सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी जॉइंड सच कॉस्टली एंड यू नो वेरी वेरी कॉस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर एक्चुअली प्रिफरिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर देयर लर्निंग. ठीक है, तो आप अगर बाय चांस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल भी बुरा मानने वाली बात नहीं है. ये बहुत बहुत ज्यादा है बच्चों आपके लिए जो यहाँ पे डिस्कशन चल रहे हैं. आप ये सोचो आपके यहाँ पे एक दिन में 6 hours का लर्निंग होता है. ठीक है, इंक्लूडिंग 11th and 12th. ठीक है, एंड दैट इज ह्यूज, दैट इज ह्यूज. इसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी का टाइम भी अगर इसके अंदर इंक्लूड कर लोगे, देन यू आर गेटिंग अ लॉट टू लर्न ऑन दिस चैनल. ठीक है, इट इज डेफिनेटली सफिशियंट. आपको बस यहाँ पर क्या है करना है, शक नहीं करना है यार. आप यहाँ पे अगर ये सोचते रहोगे कि सफिशियंट है कि नहीं, है ना, जैसे कि बच्चे पूछते सिंगे सफिशियंट है कि नहीं, मुझे तो ये सवाल ही नहीं समझ में आता कि सिंगे सफिशियंट है कि नहीं. आपने क्या उस बुक को ओपन करके देखा है कि आपको लगता है कि वो इनसफिशियंट है किसी भी तरीके से, क्या वो इनसफिशियंट है? नहीं. क्या अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या अनअकैडमी जे चैनल सफिशिएंट है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि क्या आपने वाकई किसी प्लेलिस्ट को पूरा देखा है. अगर आपने किसी भी प्लेलिस्ट को पूरा देखा है तो आप यहाँ पे समझ जाओगे कि हाँ यार ये सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कोई हमको नहीं बता सकता. ठीक है, सो हैव फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द फेथ. ठीक है, कि यहाँ पर जो इंडिया की टॉप टीम आपके साथ में कनेक्टेड है वो आपको जो यहाँ पे ज्ञान दे रही है वो पहली बात तो सफिशिएंट है. ठीक है, और उसके बाद में अगर आपको चेक करना है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है आपको क्या करना है. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखना है. तो आई वुड रिकमेंड ईच वन ऑफ यू कि आप जैसे यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया. ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया. ठीक है, बहुत ही जल्दी आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कंप्लीट कर लोगे. आप अपनी प्रीवियस ईयर की बुक खोल के देखो है ना, और पता करो कि हमने यहाँ पे जो पढ़ाई करी है क्या उससे हमें सब कुछ सॉल्व करते आ रहा है. ठीक है, दैट इज हाउ यू विल चेक. और कैसे चेक करो? ठीक है, तो हैव द फेथ एंड कीप लर्निंग, है ना, एंड कीप सपोर्टिंग ऑल्सो, क्योंकि अभी तो बहुत आगे बढ़ना है ना. ये चैनल अभी 1 million का जो मार्क क्रॉस किया है, ठीक है, डेफिनेटली इट इज बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट. ठीक है, बट इसको रिवॉल्यूशन को और आगे बढ़ाना है. ठीक है, एंड जितने बच्चों से हम कनेक्ट हो पाएंगे उतना ही ज्यादा एजुकेशन सिस्टम में एक चेंज आ पाएगा.
ठीक है। यहाँ पर हम केवल जेई के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि अनअकैडमी का एक नीट चैनल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देन मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अनअकैडमी का 11-12 भी एक चैनल है, अनअकैडमी का 9-10 भी एक चैनल है, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे मल्टीपल चैनल्स अब धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। अनअकैडमी के साथ साथ और भी यहाँ पर जो है कई सारे लोग फ्री में अब यहाँ पे कंटेंट देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि इस रिवॉल्यूशन को और बढ़ना चाहिए? अगर आपको सब कुछ फ्रीली अवेलेबल होगा तो क्या बाकी जो डिजर्विंग है अब क्या उनका ही सिलेक्शन होगा? यस yes, है ना। जो डिजर्विंग थे, है ना, पहले जिनके पास में जो डिजर्विंग थे लेकिन उनके पास में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो एक्चुअल जो है नॉलेज ले पाए, अब उनका भी एक चांस बनता है कि वो अगर मेहनत करेंगे तो वो एक बहुत अच्छी रैंक निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग हियर एंड दैट इज वॉट वी आर आस्किंग फॉर। आपका सपोर्ट बस इसी के लिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर लोगों को अभी पता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जो भी नए बच्चे आ रहे हो हमसे पूछने क्या है सफिशियंट कि नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। एंड दैट इज द मेन नॉलेज दैट वी वॉन्ट टू स्प्रेड, ठीक है। एंड विद दैट वी हैव कंप्लीटेड अवर क्विज। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, आज तो मुझे पता ही नहीं चला आप लोगों से बात करते करते, बट आई होप आप सारे बच्चे वहां पे फोकस्ड थे ऑलरेडी क्विज के ऊपर। एंड उपेन मिश्रा इज एट द टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, अभी आपका क्विज क्योंकि कंप्लीट हो चुका है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर इवेंट यूट्यूब का जो यहाँ पर आपका वीडियो चल रहा है, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में आपको जो फॉर्म मिलेगा उसको फिल करना है, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज हमें क्या पता कि उपेन का फोन नंबर क्या है, हमें क्या पता कि उपेन कौन सी क्लास में है। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किए, इनफैक्ट आपने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया है तो भी आप जो है ये फॉर्म फिल जरूर करो, ठीक है। स्पेशली द टॉप 20 स्टूडेंट्स शुड डेफिनेटली फिल द फॉर्म। हालांकि यहाँ पे सिलेक्शन 6 का ही होने वाला है, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे जो टॉप 6 हैं वही हर बार क्वालिफाई करेंगे। हो सकता है यहाँ पे जो टॉप 6 है उसमें से कोई एक बच्चा जो है अपनी जो आइडेंटिटी है वो सही से प्रूव नहीं कर पाया, ठीक है। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस कि जो नंबर 7 पे है, जो नंबर 10 पे है, जो नंबर 20 पे है, उसको यहाँ पर चांस मिलेगा बैटल ऑफ ब्रेन्स में आने का, ठीक है। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग। अगर आपने यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म किया है, डिस्क्रिप्शन में जो आपको फॉर्म मिल रहा होगा उसको फिल जरूर करना, ठीक है। और आपको अगर लगता है कि यार आज के सेशन में हमें कोई सारे क्वेश्चंस जो है समझ में नहीं आए हैं तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो tinyurl.com/jeemobile की मदद से। एंड यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फॉर योर फर्दर स्टडीज। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जैसे कि एक बच्ची बोली थी उसको ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, डोंट वरी, आप अगर यहाँ पे फाइनेंशियली ट्रबल फेस कर रहे हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने में, देन यू कैन एक्चुअली यूज द नो कॉस्ट EMI ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है। नो कॉस्ट EMI ऑप्शन बेसिकली होता क्या है कि आपको पे तो उतना ही करना है जितना आपको वहां पे करने के लिए बोला जा रहा है, बट देन आप उसको छोटे छोटे किश्तों में पे कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग नो कॉस्ट EMI ऑप्शन इंटीग्रेटेड इन द परचेज प्रोसेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ दैट एज अ बेनिफिट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी यहाँ पे पर मंथ कॉस्ट कितनी पड़ती है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे पढ़ाई करने की, तो वो महीने के 1350 रुपए ही है। महीने के आपको 1350 रुपए देना है बच्चों, वो कब होगा जब आप समीर लाइव कोड यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी अवेल कर लोगे, है ना। एंड व्हाई नॉट टू अवेल, यहाँ पर आपको जो है फाइनेंशियल बेनिफिट तो मिल ही रहा है, साथ साथ मुझे ये पता चलता है कि आप सारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट अनअकैडमी जेई पे रह चुके हैं और अपनी मैथ्स को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जहां पर मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा सॉल्व करने के लिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है, आपके साथ में जो है और भी इन डेप्थ डिस्कशंस होंगे। तो यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर फिर इसका मतलब अनअकैडमी जे चैनल के ऊपर जो है क्या वो इन डेप्थ नहीं है? ये भी इन डेप्थ है, ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि हमारे पास अगर लेटर से 2 घंटे और हैं डिस्कशन के, लेटर से हमारे पास में 2 घंटे और है, तो मैंने कल क्या किया था, मैंने कल टेंजेंट से नॉर्मल्स पढ़ाने के बाद में बच्चों का जो है प्रैक्टिस सेशन लिया था। नाउ वी हैव दैट काइंड ऑफ लिबर्टी इन हैंड, अगर हमारे पास में थोड़ा समय और होता है बच्चों के साथ में स्पेंड करने के लिए, ठीक है। सो प्रैक्टिस सेशंस हो गए, आपके यहाँ पे जो क्विजेस होते हैं, जैसे कि अब कल जो है इवॉल्व बैच में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का क्विज होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी जो आपको एडिशनल फैसिलिटीज मिल रही है दैट डू काउंट इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें वहां पर आपको जो है काफी हेल्प करेंगी एंड यू कैन ऑलवेज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर नॉलेज ऑन अनअकैडमी जेई चैनल। इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके यहाँ पर होने वाले कोई भी सेशंस मिस ना हो। एंड यू कैन ऑलवेज शेयर दीज लेक्चर्स, शेयर करते समय आप यहाँ पे हैशटैग यूज कर सकते हो जे लाइव डेली, एंड यू कैन ऑल्सो टैग मी, अगर आप ट्विटर पे हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे हैं आप मुझे टैग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे यू कैन यूज द हैंडल समीर_IITR एंड दैट इज इट।
आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। कई सारे बच्चों का यहाँ पर जो है लीडर बोर्ड में ऑलरेडी नाम आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका नहीं आया है बिल्कुल यहाँ पे जो है घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगले हफ्ते भी होगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे प्रिपेयर्ड, है ना, एंड इस तरह के सेशंस रेगुलरली अटेंड करते रहो।